श्री कृष्ण, जहाँ है प्रकाश, ईश्वर में निष्ठा विकसित करना, ईश्वर में संपूर्ण निर्विवाद निष्ठा तत्कालिक रोग निवारण की उच्चतम विधि है। उस निष्ठा को जागृत करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना मानव का उच्चतम और अत्यधिक लाभप्रद कर्तव्य है। ईश्वर में विश्वास और ईश्वर में निष्ठा भिन्न है। विश्वास महत्वहीन है यदि आप उसकी परख नहीं करते और उस पर आचरण नहीं करते। विश्वास को अनुभव में परिवर्तित करने से वह निष्ठा बनता है। आप विश्वास करने की चाहत रख सकते हैं, यहाँ तक कि आप सोच भी सकते हैं कि आपको विश्वास है, परंतु यदि वास्तव में आप विश्वास करते हैं तो उसके परिणाम तत्काल होंगे। निष्ठा का खंडन नहीं किया जा सकता। यह सत्य का अंतर्ज्ञानात्मक दृढ़ विश्वास है और इसे विरोधी तथ्यों से भी हिलाया नहीं जा सकता। आप तो यह अनुभव भी नहीं करते कि यह महान शक्ति कितने अभूतपूर्ण ढंग से कार्य करती है। यह गणित की तरह काम करती है और इसके बारे में कोई शर्त नहीं होती। और निष्ठा का यही अर्थ बाइबल में है। यह अगोचर वस्तुओं का प्रमाण है। सदा संशय रहित होकर विश्वास करें कि आपके विचारों, प्रार्थनाओं और प्रबल धारणाओं के ठीक पीछे ईश्वर की शक्ति आपके भीतर आपको अनंत शक्ति प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है। अपने भीतर हर क्षेत्र में कार्यरत उनकी कार्यशीलता को मान्यता दें और आप उन्हें सदा अपने साथ ही पाएंगे। सर्वोच्च शक्ति को निरंतर विश्वास और सतत प्रार्थना से जगाया जा सकता है। आपको उचित आहार लेना चाहिए और शरीर की उचित देखभाल के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक है उसे करना चाहिए, परंतु भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति के अणुओं को और शरीर की सूक्ष्म अवस्थाओं को, जिन तक चिकित्सक अपनी औषधियों के साथ नहीं पहुंच सकते, आप ही नियंत्रित करते हैं। आनंद भरे उच्च स्वर में लाहिड़ी महाशय जी ने कहा, सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी स्वस्थ कर सकते हैं, भले ही चिकित्सक हो या ना हो। यह ईश्वर का संसार है, ये ही आपको ले जाते हैं, वे ही आपको रखते हैं। जब चिकित्सक कहता है ठीक है, मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा, यदि ईश्वर आपको ले जाने का मन बना लेते हैं तो आप चले जाते हैं। इसलिए अपना जीवन ईश्वर के लिए जिए। एक अस्वस्थ व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक अपनी व्याधि से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तब चाहे चिकित्सक घोषित भी कर दे कि कोई आशा नहीं बची है, उसे तब भी शांत रहना चाहिए, क्योंकि भय सर्वशक्तिमान दयामयी ईश्वरीय विद्यमानता के प्रति विश्वास के नेत्रों को बंद कर देता है। चिंता में संलिप्त होने से ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। हमेशा ही विश्वास के साथ ये अफर्मेशन अपने मन में दोहराते रहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रेममयी देखभाल के सुरक्षा दुर्ग में सदा ही सुरक्षित हूँ। असाध्य रोग से ग्रसित एक निडर भक्त प्रभु पर एकाग्र होता है और शरीर रूपी जेल की कैद से मुक्त होकर जीवनोपरांत भव्य सूक्ष्म जगत में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार वह अपने अगले जीवन में मुक्ति के उच्चतम लक्ष्य के और भी समीप जाता है। सभी व्यक्तियों को अनुभव करना चाहिए कि आत्म चेतना प्रत्येक बाह्य आपदा पर विजय प्राप्त कर सकती है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति के लिए मृत्यु कुछ भी नहीं है। मैंने एक बार स्वप्न देखा कि मैं शरीर त्याग रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ठीक है, आपकी जो इच्छा है। तब उन्होंने मुझे स्पर्श किया और मुझे इस सत्य का ज्ञान हुआ। मैं मर कैसे सकता हूँ? लहर कभी नहीं मर सकती, वह तो केवल सागर में वापस चली जाती है और उसी में समा जाती है और फिर उभर कर ऊपर आती है। लहर कभी नहीं मरती और मैं भी कभी नहीं मर सकता। एक महान परीक्षण के समय परमहंस योगानंद जी मरुस्थल में
एकांतवास एवं प्रार्थनाओं के लिए चले गए। एक रात को जब वे गहन ध्यान कर रहे थे तो उन्हें ईश्वर से यह सुंदर उत्तर प्राप्त हुआ, जीवन का नृत्य हो या मृत्यु का नृत्य हो, जान लो कि ये मुझ में मुझसे ही आते हैं और आनंद मनाओ। जब तुमने मुझे पा ही लिया है तो और क्या चाहते हो। संत जैसी आत्माओं के अनुकरणीय जीवन दूसरों के लिए शक्ति और प्रेरणा के अक्षय भंडार हैं। श्री ज्ञान माता, जो कि परमहंस योगानंद के अग्रगण्य शिष्यों में से एक थी, उनके जीवन में दुख के प्रति सही दृष्टिकोण की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। सभी लोग जो उनको जानते थे, उनके शांत वीरत्व से, उनकी आंतरिक शक्ति एवं ईश्वर प्रेम से, जो उनकी अत्यधिक शारीरिक पीड़ा होते हुए भी कभी नहीं डगमगाई। उन्होंने असहनीय पीड़ा को अपने अंतिम दो दशकों में सहन किया। सिस्टर का जीवन संत फ्रांसिस के जीवन की तरह था, जिन्होंने दूसरों की सहायता करते हुए भी कष्ट भोगा। इसीलिए वे ज्ञान माता महान प्रेरणा के स्तंभ हैं। उन सभी वर्षों में जब वे दुख भोगती रहीं, उन्होंने दिखाया कि उनका ईश्वर के प्रति प्रेम अत्यधिक था। योगानंद जी कहते हैं कि मैंने उस पीड़ा का एक भी चिन्ह उनकी आंखों में कभी नहीं देखा। इसी कारण वे एक महान संत थी, महान आत्मा है, और इसीलिए वे भगवान के पास हैं। जब मैंने उनका शरीर शव पेटिका में देखा तो मैंने अनुभव किया कि सिस्टर की आत्मा सर्वव्यापी आकाश में मिल गई है, और मैंने परम पिता की आवाज को सुना जो मेरे भीतर से कह रही थी, 20 वर्षों की पीड़ा उसके प्रेम को मुझसे कभी भी नहीं छीन पाई, और इसी बात को मैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कह सका। मैंने अनुभव किया कि परम पिता को पीड़ा के साथ अपने प्रति अपने प्रेम की परीक्षा लेने का अधिकार है, 20 वर्ष या इससे अधिक काल तक के लिए भी, ताकि हम बदले में उनके प्रतिबिंब होने के नाते खोए हुए शाश्वत नित्य नवीन आनंद के अधिकार को प्राप्त कर सके। तब मैं पुनः ईश्वर की उपस्थिति के आनंद से रोमांचित हो गया और मैंने स्वयं से कहा, परम पिता की कृपा से 20 वर्षों तक अत्यंत पीड़ा में भी शांत रहकर अनंतता के नित्य नवीन आनंद को पुनः प्राप्त करना एक महान उपलब्धि है। यदि आप परमात्मा के साथ रहें तो आप जीवन एवं मृत्यु, स्वास्थ्य एवं रोग के भ्रमों से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा में रहें, उनके प्रेम का अनुभव करें, किसी से भी ना डरें। केवल परमात्मा के दुर्ग में ही हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति में रहने से अधिक और कोई सुरक्षित आनंद का विश्राम स्थल नहीं है। जब आप ईश्वर के साथ हैं, तो कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता।